अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज हम बना रहे हैं आलू का पुलहा, जिसमें हमने ये छोटे टमाटर है तो एक दो तीन चार पाँच पाँच प्याज हमने लिए हैं, पाँच अदद प्याज लिए हैं, दो बड़े टमाटर लिए हैं और चार अदद ये लिए, चार अदद हमने आलू लिए हैं और ये हरी मिर्चें हमने चार से पाँच अदद हरी मिर्चें लिए हैं। और हम मसाले वगैरह भी मैं आपको और दिखाऊंगी, गरम मसाला भी इसमें हम साबित डालेंगे, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन प्याज को मैं काटती हूँ, फिर मैं आती हूँ आपके पास। चले जी, हमने ये सब चीज़ें काट दी, आलू हमने काट के उधर रखे हैं पानी में भिगो के। ये एक मिर्च हमने छोड़ दिया, साबित रहने दिया, और जो छोटी वाली पतली वाली मिर्चें थी ना, उन सबको हमने काट दिया। ये अब हम चलते हैं इनको बनाने के। अब यहाँ पर मैंने ना हल्की आँच पर रख दी, ये पानी सूखे, तो अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे पहले। चले जी, अब हम गरम मसाला हमने थोड़ा थोड़ा सारा हमने ले लिया है, अब हम इसमें डालेंगे, फ्राई करेंगे। और एक हम ताज पत्ता हम डालेंगे, थोड़ा सा इसको फ्राई करके फिर इसमें हम प्याज डालेंगे। चले जी, ये हल्का सा फ्राई हो गया, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करके अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे, इसको लाइट ब्राउन कर देंगे। इसमें मुझे ऑयल कम लग रहा है, तो अभी इसमें और हम ऑयल ऐड करते हैं। ताकि अब इसमें हम गोरस इलायची डालते हैं, छोटी इलायची। दालचीनी की खुशबू मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं दालचीनी थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, उसमें टेस्ट अच्छा आता है दालचीनी में। लौंग भी मैंने डाली, इसमें साबित काली मिर्च डाली। गर्म मसाला जो है ना, इसको थोड़ा फ्राई करने से ना इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इनको हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से एक थोड़ी छोटी सी और एक ना वो दालचीनी का पीस हम डाल देते हैं इसमें, छोटी सी नहीं है ये लंबी है, एक और ये पीस हमने डाल दिया दालचीनी का। चलें जी, ये अब गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं, अब ये हल्के से ब्राउन हो रहे हैं, तो इसमें मुझे एक ना ऑयल में कलर के लिए मैं हमेशा डालती हूँ, पर अभी फ़िलहाल मैंने किसी रेसिपी में ये चीज़ ऐड नहीं की। पर अब मैं इसके अंदर एक चमचा भर के लाल मिर्च का जो मसाले वाला चमचा होता है ये डालूँगी, और थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी कि इसका ना कलर अच्छा सा हो जाए। बस लाल मिर्च के जलने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, जिससे मसाला जले नहीं। इसका ऑयल का और प्याज का कलर थोड़ा अच्छा सा आ जाए, क्योंकि आजकल टमाटर्स में ना कलर नहीं है, लाल तो होते हैं बट कलर में वो बात नहीं है। चलें, ये हमारे प्याज रेडिश रेडिश तैयार हो गए, थोड़े ब्राउन और रेड। थोड़ा सा और पानी डाल देंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ताज़ी अभी हम अपने टमाटर ऐड करते हैं, बिस्मिल्लाह करेंगे। अच्छा, इसमें जब ये पूरा सूख जाता है ना, ऑयल जो होता है ये पूरा सूख जाए ना, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर से इसको ना मिक्स करें, जैसे ये थोड़ा सा सही से टमाटर सारे अलग हो जाए एक दूसरे से, ये चुपके हैं। उसके बाद इसमें हम थोड़ा पानी डाल के इसको ढक के ढकना दे देंगे, एक गले टमाटर भी गले, क्योंकि मुझे ना साबित साबित टमाटर और ये ना प्याज नहीं अच्छे लगते पुलहा में या बिरयानी में किसी में भी नहीं, तो मुझे ना ऐसे पूरा भुना हुआ अच्छा लगता है, हमें चीज़ों को भिनती भी बहुत ज़्यादा सब कहते हैं। चलें भाई, अब इसमें हम पानी डालेंगे, हम और एक ये मग्गा, एक और हाफ मग्गा डाल के इसको हल्की आँच पर रख देंगे कि ये गल जाए। चाहे जी, मैं पानी भर के आ गई हूँ, अब इसमें हाफ मग्गा डालते हैं। अच्छा, आज इसकी थोड़ी टेस्ट करते हैं कि पानी उबाल आ जाए। ये हमने हाफ मग्गा पूरा हाफ करके इसको इसके अंदर डाल दिया है, अब इसको थोड़ी देर ढक दे देंगे कि ये पानी सूख जाए। चलिए जी, अब देखिए हमने इसको ढकना दे दिया, इसके आज हमने टेस्ट किए, पाँच से दस मिनट इसको छोड़ देंगे कि ये ना गल जाए आराम से, और पानी सुखा देंगे, फिर हम इसमें आलू वगैरह और बाकी मसाले डाल के इसको सही से भून लेंगे, जैसे ना आलू टमाटर और प्याज ना साबित ना हो, हम ऐसे करेंगे वो साबित नहीं बचे, वो पूरा ना ग्रेवी की तरह बन जाए।
ठीक है, इसको अब ना इसका पानी सूखने तक इसको रख देते हैं, फिर मैं आती हूँ। चले जी, अब इसका पानी सूख गया ऑलमोस्ट। अब इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, कटी हुई साबुत हरी मिर्च डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें आलू ऐड करके बाकी सारे मसाले भी ऐड करेंगे। तो मैं आलू ले कर आती हूँ। चले जी, इसमें अब हम आलू ऐड करते हैं और इसमें बाकी सारे मसाले, नमक, मिर्च वगैरह अब हम इसमें सब ऐड करते हैं। चलिए, जब हम इसमें ऐड करते हैं एक ये वाला चम्मच, थोड़ा मोटा होता है तो ये टीस्पून से तो ज़्यादा है, तो ये हम नमक डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, एक ये लाल मिर्च एक हमने डाली थी तो इसको हम थोड़ा डालेंगे, ऐसे ना ज़्यादा हो जाए। और इसमें हम सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे, छोला में सफ़ेद ज़ीरा ज़्यादा अच्छा लगता है तो उसके। और हम थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल हल्दी पाउडर ऐड किया, हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, भून लेंगे कि ये टमाटर वगैरह जो गल गए ना सारे मिक्स होंगे, सालन की तरह बन जाए, ग्रेवी बन जाए। चलिए मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। जी जी, देखिए मैंने अब इसको मिक्स किया, मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना, तो अब दोबारा सूख जाएगा कि मैं फिर थोड़ा सा पानी डाल के फिर उसको मिक्स करूँगी कि ये सारा गल जाए, इसका जो है ना टमाटर और प्याज ये सारे गल जाएँ, ये ग्रेवी की तरह बन जाए फिर। चलिए जी, देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको अच्छी तरीके से भुना है। अब इसके मुझे नमक कम लगा मैंने टेस्ट किया, तो अब मैं इसमें और एक और ये भर के डालेंगे, मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, अब मुझे इसमें गरम मसाला में जो है पिसा हुआ गरम मसाले का पाउडर वो ऐड करूँगी, 1 टीस्पून, ये टीस्पून के हिसाब से है जो मैंने। दोबारा मिक्स करके कितना गंदा हो गया देखिए, आप लोग भी कहेंगे मैं वो मिलाती बहुत हूँ ना चीज़ों को। देखें, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, पर अब इसमें सबसे पहले इसको टेस्ट करूँगी, मुझे लगता है मुझे इसमें ज़ीरा भी थोड़ा सा और डालना चाहिए, मतलब 1 टीस्पून और 1 एंड हाफ टीस्पून इसमें ज़ीरा डालेंगे, फिर मैंने 1 डाला है तो एक और डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ज़ीरे का टेस्ट अच्छा लगता है और इसमें मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा टेस्ट। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा हम ज़ीरा ऐड करते हैं। चले जी, हमने थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर दिया। अब इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी आ रही है, खासकर जो मुझे मिर्च की खुशबू होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है सालन में, तो खुशबू आ गई। देखिए, अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, पहले हम इसको टेस्ट करेंगे फिर इसमें पानी डालेंगे फिर हम चावल ऐड करेंगे। चलिए जी, अब हम इसमें ये बड़ा वाला मग्गा, हम 5 गिलास चावल है तो इसमें हम पानी डालेंगे, ये बड़ा है तो 1 एंड हाफ कप के हिसाब से हम ये, तो 3 भर के ये वाले मग्गे डालेंगे पानी इसमें। ठीक है, मैं और पानी इसमें ऐड करती हूँ। अच्छा ठीक है, ये हमने 3 गिलास पानी ऐड कर दिया है और मुझे अभी भी हाफ थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं उस मक्का हाफ और इसमें ऐड करूँगी और एक मिर्च मैं इसमें ऐड करूँगी। अब इसको हम उबलने के तेज़ आँच करते हैं, मैं हाफ मक्का और इसमें डालती हूँ। चले जी, अब ये पानी बॉयल हो गया, मैंने हाफ वो वाला मक्का तो एक और डाला था हाफ सिर्फ, अब ये पानी बॉयल हो गया, अब राइस हम इसमें ऐड करते हैं और इनको तो। चलें जी, अब हमने इसमें पानी इसमें हम चावल ऐड कर दिए, अब हम इसको बॉयल होने के रख देंगे, छोड़ देंगे कि पानी सूखे। शुरू में मैंने अभी थोड़ी तेज़ आँच किए कि उबाल आ जाए, जब सही से उबाल आएगा तो थोड़ी कम आँच पर हम रख देंगे। चलिए, इसका पानी पूरा सूख गया, उसके नीचे मैंने तवा रख दिया है। अब इसमें मैं ना
धनिया पुदीना डालूंगी और जर्दे का रंग डालूंगी। फिर हम इसको दम पे रखेंगे। ये अभी हमने दम पे रखा है, अब हम थोड़े से देर से, इतनी अच्छी शक्ल है, जब अब फुल रेडी हो जाएगा तो मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाऊंगी, सर्व करके दिखाऊंगी। चलें जी, इसको हमने दम पे 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दिया था, अब हम इसको देखते हैं। धुआं निकल रहा है, अब हम देखते हैं चावल गले। बिस्मिल्लाह, आलू तो गल गए। बिस्मिल्लाह, कैसे इतने मज़े की खुशबू आ रही है। चलिए आप प्लेट में निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने मिक्स कर दिया है तो चावल भी रेडी गल गए हैं। मज़ेदार आलू का पुलाव रेडी है। रेसिपी पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।